असलकुम मिस किरण हेयर आई एम योअर केमिस्ट्री टीचर माई क्वालिफ़िकेशन इज़ बी एस ऑनर केमिस्ट्री नाउ आई एम एम फिल रिसर्च स्कॉलर डेजिग्नेशन लेक्चरर एट एपसेक्स बदीन वैन एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स इन नाइन क्लास आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि नाइन्थ फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर वन है या आप लोग ऐसे कहें कि चैप्टर नंबर फाइव है नाइन्थ क्लास में आपका ये वन कंसीडर होगा लेकिन आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली ये चैप्टर नंबर फाइव है क्योंकि केमिस्ट्री की बुक आप लोग फोर्थ चैप्टर एट क्लास में डिस्कस करते हैं और फिफ्थ चैप्टर फ़िज़िकल स्टेट ऑफ मैटर से जो आगे आपके चैप्टर्स आएंगे वो तमाम आप नाइन्थ फेडरल बोर्ड में स्टडी करेंगे लेकिन ये फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर ऐसा चैप्टर है या आप लोग कहें ऐसा टॉपिक है जो फेडरल बोर्ड और हैदराबाद बोर्ड दोनों क्लासेस में पढ़ाया जाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ फेडरल बोर्ड के लिए नहीं है, हैदराबाद बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू वॉट इज़ मैटर जैसे कि आप लोगों ने छोटी क्लासेज में सिक्स और सेवन क्लास में भी और एट क्लास में भी स्टडी किया होगा मैटर को सबस्टेंस ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मैथ हमारे यूनिवर्स में वो तमाम सब्सटेंसेस वो तमाम चीज़ें जो कि स्पेस भी रखती हों स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हों और उनका कोई ना कोई मास भी हो वो वजन भी रखती हों तो उन तमाम सब्सटेंसेस को हम लोग मैटर कहते हैं जैसे कि अगर हमारे पास ग्लास है कप है चेयर है डेस्क है ये तमाम हमारे पास क्या है मैटर मतलब हमारे वर्ल्ड की यूनिवर्स की वो तमाम चीज़ें जो जगह भी घेरती हैं और वज़न भी रखती हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं मैटर अब ये जो मैटर है हमारे यूनिवर्स में ये सिर्फ लिक्विड स्टेट में नहीं होता या सिर्फ तमाम सब्सटेंसेस गैसेस स्टेट में नहीं होते तमाम सब्सटेंसेस सॉलिड में नहीं होते बल्कि जितना भी हमारे यूनिवर्स में मैटर है दिस मैटर इज़ एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स ऑफ देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड एंड गैस फर्दर भी आप स्टेट्स पढ़ेंगे मैटर की जैसे कि प्लाज्मा लेकिन वो आप फर्स्ट ईयर क्लास में डिस्कस करेंगे देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड एंड गैस नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू गैशियज स्टेट गैसेज मैटर की स्टेट है मतलब कुछ आ, हमारे पास जो एयर है वो भी मैटर है लेकिन कौन सी स्टेट मैटर की गैशियज स्टेट गैस इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर डैट हैज़ नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम मतलब ऐसा मैटर हमारे यूनिवर्स का जिसकी ना तो कोई फिक्स शेप होती है आप उसे जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसी कंटेनर जैसा हो जाएगा या उसी कंटेनर की शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा और ना ही इसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है तो ऐसा मैटर जिसकी ना तो कोई फिक्स शेप हो और ना कोई फिक्स वॉल्यूम हो उस मैटर को हम लोग कहते हैं गैसेज जैसे कि आपके पास है सॉलिड लिक्विड गैसेज दीज आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड में अगर आप लोग देखें तो जो सब्सटेंस होता है जो कि हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है उसके एटम या उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टाइटली टाइटली पैक्ड होते हैं उनमें कोई भी स्पेसिस नहीं होती ओ सॉरी उनमें जी उनमें कोई भी स्पेसिस नहीं होती और उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के जो एटम होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं देयर इज नो स्पेस बिटवीन दी सॉलिड पार्टिकल तो इसलिए ये एक कॉम्पैक्ट एक सख्त और सॉलिड की फॉर्म ले लेता है लेकिन जो हमारे पास लिक्विड है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरियान आप लोग देख रहे हैं कि इनके एटम्स के दरमियान आपको छोटी छोटी स्पेसिस नज़र आ रही हैं जैसे कि वाटर है वाटर फ्लोएबल होता है तो वो हमारे पास क्या है लिक्विड क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्पटी स्पेसिज होती हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस हैं गैसेस को गैसेस के जो है, मॉलिक्यूल्स हैं उनमें लार्ज एम्पटी स्पेसिस हैं लार्ज एम्पटी स्पेसिस होने की वजह से ये एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते कोई प्रॉपर आप लोग कहें कि कोई प्रॉपर शेप ऑक्यूपाई नहीं कर सकते तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है गैसेस की इसके बाद हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे गैसेस स्टेट फर्दर हम लोग डिटेल में देखेंगे कि गैसेस स्टेट जो हमारे पास मैटर की है उसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज जो कि तमाम गैसेस में होती हैं सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास डिफ्यूजन डिफ्यूजन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर गैस के पास होती है और डिफ्यूजन में होता क्या है इज़ द प्रोसेस वेयर बाय गैसेज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रीजन ऑफ रेलेटिवली हाई कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ रेलेटिवली लो कंसनट्रेशन या सिंपल वर्ड में आप किसे इसे कह सकते हैं कि गैस अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है परफ्यूम की बॉटल है हमारे पास उसके अंदर गैस कंप्रेस फॉर्म में फिल्ड होती है जब हम उसे रूम के किसी भी कॉर्नर में स्प्रे करते हैं तो एकदम से वो पूरे रूम में उसकी स्मेल फैल जाती है तो ये क्या हुआ कि उस बॉटल में जो हाई कंसनट्रेशन में गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस थे जब आपने उसको स्प्रे किया किसी कॉर्नर में जाकर तो वो माइक्रोसेकंड्स में पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो गए तो ये क्या हुआ कि गैस के मॉलिक्यूल्स ने फ्लो किया गैस के मॉलिक्यूल स्प्रेड हुए या उनकी मूवमेंट हुई फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन आप किसी सॉलिड को देखेंगे किसी सॉलिड में डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी नहीं होती सॉलिड को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाएंगे तो वो होगा अदरवाइज़ नहीं लिक्विड में थोड़ी बहुत फ़्लोइंग टेंडेंसी होती है लेकिन गैसेज़ में डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होता है उनमें मूवमेंट ऑफ़ पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ज़्यादा फास्टली होता है जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है स्मेल ऑफ रोटन एग स्प्रेड थ्रू आउट द रूम अगर आपके पास कोई ख़राब अंडे हैं आप रूम में आपसे कोई अंडा टूट गया है तो आप देखेंगे कि फौरन से पूरे रूम में स्मेल फैल जाती है तो क्या होता है कि अगर यहाँ पर आपका एग पड़ा है कोई तो वो एग जैसे ही टूटा उसके जो एग में होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फिल होती है वो फौरन से गैस यहाँ से हायर कंसेंट्रेशन से मूव करेगी टूवर्ड्स दी लोअर कंसनट्रेशन और पूरे रूम में उसकी स्मेल फैल जाएगी तो ये किसकी वजह से होता है डिफ्यूजन प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस आप लिक्विड में भी देख सकते हैं कि जैसे कि आप छोटी क्लासेस में एग्जांपल लेते हैं हमारे पास कोई बीकर है उस बीकर में हमने वाटर फिल किया जैसे ही हम इंक का ड्रॉप उसमें डालेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंक का ड्रॉप फ्लो करके आपके जो वाटर है जो आपने वाटर टब लिया या बीकर लिया उसमें उसका कलर वैसा ही होता जाएगा जैसी कि आपने इंक यूज़ की है और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे वो पूरा पानी जो है अगर आपने ब्लू इंक यूज़ की है तो वो ब्लू हो जाएगा तो ये लिक्विड में डिफ़्यूज़न की एग्जांपल है मतलब डिफ्यूज़न जो प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा फास्ट डिफ्यूजन रेट गैसेस का होता है उसके बाद लिक्विड का और सबसे कम या आप लोग बोलें बिल्कुल ना होने के बराबर डिफ्यूज़न होता है सॉलिड में तो हमें गैसेस वैसे कलरलेस होती हैं तो हम उन्हें देख नहीं सकते उनका डिफ्यूज़न रेट नहीं दे सकते तो अगर आपको गैसेस का देखना है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स किस तरह से डिफ़्यूज़ होते हैं किस तरह से उनकी मूवमेंट होती है तो आप एक लिक्विड की एग्जांपल लेकर उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड है हमने उसका वाटर है उसके अंदर इंक का ड्रॉप डाला तो वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे एक जाले की तरह या जिग जैग मैनर में रैंडम मैनर में वो जो इंक के पार्टिकल हैं इस वाटर में स्प्रेड हो जाएंगे तो इसी तरह गैस जो है वो वन प्लेस टू एंड अदर प्लेस स्प्रेड होती है या आप लोग बोले उसमें डिफ्यूजन होता है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इफ़्यूजन थैंक यू सो मच